हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चीज़ी बनकर तैयार होता है। आप इसको एक बार इस मेथड से बनाकर ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक और सिंपल चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ यूज़ करूँगी, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च, प्याज, पनीर को मैंने बारीक कट कर लिया था, टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इनको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैं यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी उनको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी लिख दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ओरिगेनो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून चीज़, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हो। मेरे पास मोजरेला चीज़ रखी थी तो मैंने वही डाली है। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम कर लेते हैं ब्रेड पे टॉपिंग। तो टॉपिंग करने के लिए मैं यहाँ पे वीबा की पिज़्ज़ा टॉपिंग यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्रेड की सभी स्लाइसिस पे पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा दूँगी। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा टॉपिंग या पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप यहाँ पे टमाटो केचप भी लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने सभी ब्रेड के स्लाइसिस पे जो है पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था। अब मैं कर लूँगी इन पे वेजिटेबल्स की टॉपिंग। तो मैं सभी ब्रेड के स्लाइसिस पे वेजिटेबल्स डाल दूँगी। अच्छा, ब्रेड के स्लाइसिस पे ना आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से डाल लेना, जितने आपके घर में खाते हो। कुछ इस तरह से मैंने सभी ब्रेड के स्लाइसिस पे वेजिटेबल्स डाल दी थी, उसके बाद मैं इनको फैला दूँगी। तो वेजिटेबल्स को जो है मैंने यहाँ पे सभी ब्रेड के स्लाइसिस पे अच्छे से फैला दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। मैं यहाँ पे जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो है मोज़रेला, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। और प्रोसेस चीज़ का भी ना इसमें बहुत ही यमी टेस्ट आता है, आप वो भी डाल सकते हो। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी तो मैंने वही डाली है। तो टॉपिंग जो है हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं तवा गरम। तो तवा गरम करके मैं यहाँ पे लगा दूँगी थोड़ा सा ऑयल। आप यहाँ पे ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हो। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप तवा गरम करोगे ना तो फ्लेम जो है लो रखना, अगर हाई रखोगे तो तवा ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हमारी ब्रेड जो है जल जाएगी। अब जो है हम ब्रेड के स्लाइसिस को तवे पर रख देंगे। ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने तवे पर रख दिया था, अब मैं इसको कवर कर लूँगी और 4 से 5 मिनट तक सिकने के लिए छोड़ दूँगी। फ्लेम हम यहाँ पे लो ही रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो, चीज़ हमारी जो है 1.5 मिनट बाद ही मेल्ट होना शुरू हो गई थी। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाऊँगी, आप लोग भी देख सकते हो हमारी चीज़ जो है कितने अच्छे से मेल्ट हुई है और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब मैं इनको जो है तवे पर से निकाल लूँगी। तो इसी तरह से मैंने बाकी के ब्रेड पिज़्ज़ा भी बनाकर तैयार कर लिए थे। अब जो हमने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाए थे इन पे चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। तो थी ना दोस्तों बहुत ही इजी, टेस्टी और यमी रेसिपी। बच्चों को ज़रूर बना के खिलाना, उनको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। एक स्लाइस मैं आप लोगों को पास से चेक करवाती हूँ कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको ब्रेड का पीछे का पार्ट भी चेक करवाती हूँ, ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। आवाज़ सुनना, परफेक्ट।
आप लोग भी देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं जला और बिल्कुल परफेक्टली इसका जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हुई है। मैंने इसको अपने घर में इफ्तारी में सर्व किया था, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।